साउथ कश्मीर के काकापोरा पुलवामा से एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक मिलिटेंट अटैक हुआ है। मिलिटेंट अटैक में यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उन पर फायरिंग हुई है और उसमें एक हेड कॉन्स्टेबल सुरेंद्र कौर जो है वो उसमें जख्मों को ताब न लाकर अभी चल बसे है, जबकि एक SI जिनका नाम अभी तक मालूम नहीं हो सका है वो अभी भी क्रिटिकल है। अगरचि उनको फौरी इलाज मुआलजा के लिए यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा ले जाया गया है, लेकिन तहम उनकी सिचुएशन भी अभी क्रिटिकल बताई जाती है। ये साउथ कश्मीर काकापोरा में इलाका है और यहाँ पर साउथ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में भी हुए हैं। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करेंगे तो कहीं एक सरपंचों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया, एनकाउंटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए और यहाँ पर आर्मी के 3 पर्सनल जो है वो मारे गए। 2 तो एक्सीडेंट शोपियां में मारे गए और यहाँ पर एक एनकाउंटर जो अनंतनाग में हुआ था उसमें मारे गए। लेकिन यहाँ पर अभी अभी जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग की गई है उसमें एक हेड कॉन्स्टेबल जो है उसकी मौत वाका हुई है, जबकि एक अभी भी क्रिटिकल है। अभी क्या अपडेट आता है वो हम अपने नाज़रीन को अगली बुलेटिन में बताएंगे। फिलहाल अपने मेज़बान फरदोस सलाही को जानन वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप JK न्यूज़ टुडे देखते रहिए।